बैक टू माय चैनल। आज मैं पास्ता रेसिपी बनाने जा रही हूँ और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत लेट से वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, इसके लिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ। आप अभी स्टार्ट करते हैं पास्ता बनाने। और हाँ, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीवन, जो जो मेरे सब्सक्राइबर है नहीं है, सबको जो वीडियो देख रहे हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे पूरी फैमिली की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी रेसिपी बनाना। इसके लिए मैंने लिया है इस टाइप का पास्ता, आप देख सकते हैं। ऑनियन जो मैंने स्लाइसेस करके रखे हैं, बीन्स, मटर, लहसुन, अदरक, स्प्रिंग ऑनियन है, ये रेड मिर्च जो अभी मिलता है मार्केट में ठंडा के सीजन में मिलता है वो मैंने काट के रखा है। मैगी मसाला लिया है, गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसमें मैं टमाटर कद्दूकस दूंगी रेसिपी में। ऑयल, चिली सॉस और विनेगर मैंने मिला के रखा है, ये ब्लैक सोया सॉस है और ये टमाटर केचप है, नमक लगेगा इसके लिए और ब्लैक पेपर। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके लिए मैं पानी को पहले से उबालने के लिए रखती हूँ। इसमें मैं अभी पास्ता दे दूंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से आप लोग को रेसिपी ठीक से पता नहीं चलेगा। और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट भी जरूर कीजिएगा आप लोग। कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए बिठा दिया है और इसमें मैं ऑयल दे दूंगी। कोई भी मेरे चैनल पर नया देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके चलते मैं इतना दूर तक पहुंच चुकी हूँ अब तक। प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पास्ता को मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें एक चम्मच ऑयल दे दूंगी मैं, ताकि इसे चिपके ना, स्टिकी ना हो। अब इसमें मैं तेल, ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं लहसुन ले लूंगी, अदरक की जगह मिर्ची, ऑनियन दे दूंगी। आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे एक बार बना के देखिएगा। मैं इसमें बीन्स ऐड कर दूंगी, आप इसमें कैप्सिकम भी दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया है।
लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ढक्कन दे दिया थोड़ी देर के लिए। अब पास्ता मेरा ऑयल हो गया है और इसमें को आप लोग देखिएगा स्पून से ऐसे रखिए, देखिए पूरा बॉयल हो गया है। अभी मैं इसको ठंडा दे दिया पानी से धो लूंगी थोड़ा। मैं इसको देखती हूँ अब इसमें मैं टमाटर जो कद्दू का चक्कर रहता है वो डाल दूंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं इसमें ब्लैक पेपर दे दूंगी। और मैं इसमें मैगी मसाला दे दूंगी। मैं इसमें पास्ता ले लूँ। अब मैं इसमें और थोड़ा सा नमक दे दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। अब मैं इसमें चिली सॉस और विनेगर जो मिक्स कर दबा दूंगी। टोमेटो केचप दे दूंगी।
सीड, ओनियन सीड, और मैंने इन्हें भी गाने के लिए लगाया है। हो गया अब आपका रेडी, अब मैं आप लोग को ये सब करके दिखाऊंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और रेसिपी आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें इस रेसिपी को आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मैं आप इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। मैंने सर्व करके दिखाया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप लोग प्लीज़ ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके नए नए वीडियो की रेसिपी की वीडियो ऐसे ही मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।